Hey guys, आज एडवांस अकाउंट्स की स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे, विच हेल्प मी गेट एन एग्जेम्पशन इन दैट पेपर एज वेल एज क्लियर द एग्जाम्स इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट. एंड दिस वीडियो विल बी एप्लीकेबल फॉर बोथ नवंबर 23 एज वेल एज मे 24 ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट. सो देयर इज लिटरली नथिंग टू वरी अबाउट एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो एट वंस. फर्स्टली मैं ये कन्फेस करना चाहता हूँ दैट एडवांस अकाउंट्स के पेपर के लिए मैंने कोई भी पेड कोचिंग नहीं लिया था. मैंने खुद से ही पढ़ाई किया था विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब फ्री लेक्चर्स एज वेल एज विद द हेल्प ऑफ माय सीनियर्स. एंड टू हेल्प यू गाइज एज अ सीनियर मैंने ये सारे फुल सिलेबस लेक्चर प्लेलिस्ट जहां से मैंने तैयारी किया था एक जगह लाके रखा है. दैट्स ऑन माई यूट्यूब चैनल होम पेज एंड इवन यू कैन स्टडी फ्रॉम हियर एंड क्लियर योर एग्जाम्स इन द फर्स्ट अटेम्प्ट दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. सो मैंने मे 24 अटेम्प्ट ऑनवर्ड्स के लिए भी अलग से प्लेलिस्ट बना के रखा है. सो दैट्स ऑल्सो अपलोडेड फॉर योर कन्वीनियंस. मूविंग ऑन, ये बात समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एडवांस अकाउंट्स के सिलेबस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर्म द मोस्ट सिग्निफिकेंट पोर्शन. एंड ये इसीलिए है बिकॉज इट इज रियली वेरी स्कोरिंग. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का ये जो पोर्शन है ये मैंने कवर किया था फ्रॉम दिस प्लेलिस्ट. यहाँ पे आपको बहुत शॉर्ट वीडियोस मिलेंगे जो देखने के बाद यू कैन इजीली सॉल्व दी बैक क्वेश्चंस एज वेल एज दी इलस्ट्रेशंस. एंड एक बार आप इलस्ट्रेशंस एंड बैक क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए आप आराम से आरटीपीज एंड एमटीपीज भी सॉल्व कर डालोगे. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दी कीवर्ड्स एंड मग देम अप क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा होने वाला है दैट यू नीड टू थियोरेटिकली प्रेजेंट दी आंसर्स जहां पे आपको कीवर्ड्स कोट करके आना है. बट देर इज नॉट मच टू वरी अबाउट बिकॉज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देर आर इन मच ऑफ कीवर्ड्स. ओके, सो देर इज नथिंग टू वरी. बट एक बात आपके दिमाग में अभी आ रहा होगा दैट ये कीवर्ड्स कैसे समझे, व्हाट आर दी कीवर्ड्स. जैसे ही आप illustrations and back questions सॉल्व कर डालते हो यू विल सी देर आर फ्यू वर्ड्स विच हैव बीन रिपीटेड इन एवरी सिंगल आंसर. दोज आर द कीवर्ड्स. वो आपको हर एक आंसर में एक्चुअल में प्रेजेंट करके आना है एंड वैसे ही आपको मार्क्स मिलेगा. एंड एक बात आपको याद रखना है, जैसे ही आप सारे illustrations सॉल्व कर डालते हो फॉर एवरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एट द एंड यू शुड ऑल्सो बी सॉल्विंग द RTPs एंड MTPs. द रीजन इज दैट आप जब एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का इलस्ट्रेशन को सॉल्व करते हो ना यू एग्जैक्टली नो कि यही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सॉल्व कर रहे हो तो यही अप्लाई करना है. बट जब आप आरटीपी एमटीपी सॉल्व कर रहे हो आपको कोई सा भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपने बुद्धि से अप्लाई करना पड़ेगा एंड यू नीड टू गेट इट करेक्ट. दैट बिकम्स द मेन चैलेंज एंड यही चैलेंज रहेगा एग्जाम हॉल के प्रेशर में. सो दैट्स वॉट यू नीड टू प्रैक्टिस फॉर. नाउ आई एम गोइंग टू शेयर दैट आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको आंसर कैसे करेंगे, किस फॉर्मेट में करेंगे. याद रखना यही फॉर्मेट अगर आप फॉलो करते हो तभी आपको मार्क्स मिलता है वरना आपके मार्क्स कटे जाएंगे. सो द फॉर्मेट इज लाइक सबसे पहले आपको रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नंबर एंड उसका नेम को कोट करना पड़ेगा. एंड इफ इट इज अ थियोरेटिकल क्वेश्चन देन वॉट यू नीड टू डू इज दैट फर्स्टली आप फैक्ट स्टेट कर दो विच एवर इज प्रेजेंट इन द क्वेश्चन एंड देन यू नीड टू पुट डाउन द प्रोविजंस ऑफ दैट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड मैच इट विद द फैक्ट्स. द थर्ड थिंग इज दैट यू पुट डाउन योर एनालिसिस फॉलोड बाय योर कंक्लूजन. एक बात आपको याद रखना है, ये जो कंक्लूजन आप लिख रहे हो ये सबसे पहले जाके नहीं लिख देना है. इट नीड्स टू बी प्रेजेंटेड इन अ वे जहां पे सबसे पहले आपको फैक्ट्स लिखना है देन द प्रोविजंस एंड देन योर एनालिसिस एंड देन द कंक्लूजन. दिस ऑर्डर शुड बी इंटैक्ट, ये आपको याद रखना है. बट सपोज यू हैव अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन फ्रॉम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देन ऑब्वियसली यू विल बी फॉलोइंग द फॉर्मैट विच इज गिवन देयर इन द ICAI मॉड्यूल. बट इफ देयर इज नो स्पेसिफिक सच फॉर्मैट देन पुट इट इन अ वे जो एग्जामिनर को समझ में आए, क्लैरिटी के साथ दिखे. सपोज यू नीड टू मेक अ टेबल देन यू शुड बी पुटिंग द प्रॉपर हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स फॉर ऑल द कॉलम्स ऑफ द टेबल. सो दिस शुड बी द अप्रोच. एंड आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे वे यू नीड टू टेक अजम्पशंस. मेक श्योर इन द एग्जाम हॉल आप आंसर में प्रॉपरली मेंशन कर दे रहे हो व्हाट आर द अजम्पशंस यू आर एग्जैक्टली टेकिंग वरना एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा. आप जब अभी आरटीपी एमटीपी सॉल्व करोगे ना आपको दिख जाएंगे ऐसे बहुत सारे सवाल जहां पे यू नीड टू टेक अजम्पशंस. मुझे पता है घर पे बैठ के जब भी आप सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन पेपर्स यू आर नॉट राइटिंग डाउन द अजम्पशंस. बट ये गलती एग्जाम हॉल के प्रेशर में मत करना. यू हैव टू एक्चुअली राइट डाउन द अजम्पशंस टू गेट द फुल मार्क्स. So don't take this for granted. Make sure you're putting it down on paper and you are then getting the marks. And ये जो points अभी मैं बता रहा हूँ, trust me, it's really important. And exam के एक दिन पहले आपको ये सब एक बार सुन लेना चाहिए. So that's why अभी make a note of it and exam के एक दिन पहले देख लेना. वरना क्या होगा? You will be losing out on free marks. एक-एक करके हर answer में you will be losing out marks. So to prevent that, I'm making this video. Okay. So make sure you are actually making a note of all these tips. The next tip out here is that जब भी आप एग्जाम हॉल में जा रहे हो द पेन यू शुड कैरी इज इन विच यू हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट एट होम. मैंने ना एक मोटा निप वाला पेन एग्जाम हॉल में कैरी किया था जिससे मैं घर पे कभी अकाउंट्स प्रैक्टिस किया ही नहीं एंड दैट रिजल्टेड इन अ वेरी मेसी आंसर शीट.
तो ये गलती आप प्लीज मत करना। एग्जाम में जो आपको आंसर शीट मिलता है, आपको पता है आप सीए फाउंडेशन देके आए हो, इट्स अ बिट नैरोअर देन द कॉपीज यू यूज एट होम, सो इफ यू यूज अ पेन विद अ थिक निब आपका जगह कम पड़ जाएगा। ओके, सो टेबल्स वेबल्स जब आप बनाओगे एंड अंदर जब आप लिखोगे तो जगह कम पड़ जाएगा, सो इट्स बेटर यू टेक अ पेन विद अ थिन निब एज वेल एज अ पेन इन विच यू हैव प्रैक्टिस अ लॉट एट होम, बिकॉज अकाउंट्स में ऑब्वियसली आपके पास काफी लिमिटेड टाइम रहेगा। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप, मेक श्योर यू रिमेंबर इट। इंपॉर्टेंट ये है कि आप समझो दैट एग्जामिनर को आप जितना नीट पेपर दोगे ना, उतना इजी होगा उसके लिए टू गिव यू मार्क्स। चलो द नेक्स्ट टिप आउट हियर इज अबाउट द शॉर्ट फॉर्म्स एंड अब्रीविएशंस। अगर आप कोई भी शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हो घर पे, डोंट मेक इट अ हैबिट कि आप एग्जाम हॉल में भी वही लिख के आ जाओ। मेक श्योर अगर आप एग्जाम हॉल में कोई भी शॉर्ट फॉर्म अब्रीविएशन यूज कर रहे हो, यू आर डिक्लेयरिंग इट बिफोर एंड देन यूजिंग इट। एंड सेकेंडली, अगर वो कभी आईसीए मॉड्यूल में कभी यूज ही नहीं किया गया ना, ट्राई नॉट यूजिंग इट। बेकार में एग्जामिनर को कंफ्यूज करके फायदा नहीं है। सो इफ यू आर नॉट डिक्लेयरिंग अ शॉर्ट फॉर्म एंड वो शॉर्ट फॉर्म कोई यूज करता नहीं है, ऐसे मॉड्यूल में भी यूज नहीं किया गया है, डेफिनेटली एग्जामिनर को समझ नहीं आएगा एंड यू विल बी लूजिंग आउट मार्क्स। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग एडवांस अकाउंट्स पेपर में इज अबाउट वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टूडेंट्स अक्सर क्या करते हैं, बहुत अनटाइडीली बना देते हैं या फिर बनाते ही नहीं है। आई डोंट नो व्हाई आर दे लूजिंग आउट ऑन फ्री मार्क्स। वर्किंग नोट्स के लिए अलग से मार्क्स होते हैं एंड दैट्स व्हाई मैं हाईली रिकमेंड करता हूं वर्किंग नोट्स बनाओ। अपने आंसर कंप्लीट होने के बाद जब भी वर्किंग नोट्स बना रहे हो, टाइडली बनाओ, नीटली बनाओ। एंड सेकेंडली, गिव रेफरेंसेज ऑफ द वर्किंग नोट्स इन द मेन आंसर, वरना वर्किंग नोट बनाने का तो पॉइंट ही नहीं है। सो डू कीप दीज पॉइंट्स इन माइंड। द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट ओवरराइटिंग। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 6 को पहले 8 बनाते हैं, फिर उसको 9 बनाते हैं। लाइक लिटरली एग्जामिनर को समझ में भी नहीं आता है, वो मार्क्स भी नहीं देता है। इनफैक्ट पेपर जब रिव्यू किया जाता है, खुद स्टूडेंट को भी नहीं समझ आएगा। सो इतना गंदा तरीके से लिखा हुआ रहता है। एंड ये क्यों होता है, क्योंकि घर पे जब आप सॉल्व करते हो, आप 4 पेज का आंसर 1 पेज में कर लेते हो, कुछ भी तरीके से सॉल्व करते हो एंड आंसर निकाल लेते हो। देखो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जब आप घर पे सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि आप खुद के लिए कर रहे हो। बट एग्जाम हॉल में जब आप लिख रहे हो ना, आप एग्जामिनर के लिए लिख रहे हो। आपको नीटली लिखना चाहिए ताकि एग्जामिनर को समझ आए एंड वो आपको इजीली मार्क्स दे पाए। एंड दैट इज वाई जब भी आप आंसर्स लिख रहे हो ना, मेक श्योर यू आर कीपिंग प्रॉपर स्पेसेस, ताकि बाद में एंड ऑफ द आंसर अगर आपको कुछ भी चेंज करना हो, आपके पास इतना स्पेस रहे कि आप काट के थोड़ा सा लिख पाओ। सो मेक श्योर यू आर कीपिंग दीज इन माइंड टू हैव अ नीट एंड टाइडी पेपर। एंड वन थिंग विच यू शुड डू इज दैट जब भी आप एक चैप्टर को पढ़ रहे हो, वेन एवर लाइक फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो या रिविजन कर रहे हो, यू शुड बी मार्किंग द मास्टर क्वेश्चन एज वेल एज द एडजस्टमेंट्स विच आर डिफिकल्ट फॉर यू। मास्टर क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें मेजोरिटी ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द चैप्टर कवर हो जाते हैं। इससे फायदा क्या है, एग्जाम के एक दिन पहले यू कैन रिवाइज दीज मास्टर क्वेश्चंस ओनली एज वेल एज द डिफिकल्ट एडजस्टमेंट्स, क्योंकि पूरा चैप्टर रिवाइज करने का टाइम नहीं रहता है। सो दिस इज अ सिंपल टेक्निक ताकि आपको सारी डिफिकल्ट चीजें याद भी आ जाए एंड एग्जाम हॉल के प्रेशर में आप वो सब गलती ना करें जो आप पहले एक बार कभी किए थे। एंड कमिंग टू द नोट्स पार्ट, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जहां पे नोट्स आपको बहुत हेल्प करते हैं एंड एडवांस अकाउंट्स इज डेफिनेटली वन ऑफ देम। सो एक बात तो है कि थियोरेटिकल ओवरव्यू के लिए नोट्स आर दी बेस्ट एंड एडवांस अकाउंट्स के लिए आपको चाहिए ही होता है। अगर आपको वो नोट्स चाहिए जहां से मैंने पढ़ाई किया था अपने एडवांस अकाउंट्स के पेपर के लिए, आई कैन सेंड इट टू यू। आप एक काम करो, अपना जीमेल एड्रेस कमेंट सेक्शन में लिख दो एंड आई विल मेल इट टू यू, टू ईच एंड एवरी जीमेल एड्रेस विच इज देयर इन द कमेंट सेक्शन विद इन 48 hours। सो हर एक PDF आपको मिल जाएगा फॉर एवरी सिंगल चैप्टर। एंड कमिंग टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ द वीडियो, एक बात मैं क्लैरिटी के साथ बोल देना चाहता हूँ। देखो एग्जाम ICAI कंडक्ट करवा रहा है, सो मेक श्योर यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन रीडिंग द ICAI मॉड्यूल। एंड व्हेन आई एम सेइंग ICAI मॉड्यूल, आई मीन ऑल द मटेरियल्स। सो इट्स द इलस्ट्रेशंस, बैक क्वेश्चंस, RTPs, MTPs एंड द PYQs। एंड ये सारे मटेरियल्स अगर आप कर लेते हो ना, यू आर गोना श्योर शॉट क्रैक द एग्जाम्स इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, एज वेल एज एग्जेम्पशन मिल जाएगा 70-80 तक मिल सकता है। ये जितने भी मैंने स्ट्रेटजीज बताए, जो भी टिप्स दिए, ये आपको याद रखना है, वरना यू विल बी लूजिंग आउट ऑन इजी मार्क्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक चीज पता है एंड उसमें गलती हो जाए। दैट्स द वर्स्ट थिंग विच कैन हैपन विद अ स्टूडेंट, स्पेशली अ सीए स्टूडेंट, जहां पे लाइक मार्क्स मिलना बहुत डिफिकल्ट है। सो मेक श्योर यू आर कीपिंग एवरी सिंगल थिंग इन योर माइंड, ओके, एंड एवरीथिंग कम्स विद अ प्रैक्टिस। सो जब भी आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, मेक श्योर यू आर कीपिंग दी स्मॉल थिंग्स इन योर माइंड, इवन दो यू आर यूजिंग द शॉर्टकट मेथड, यू आर यूजिंग अब्रीविएशंस, यू आर मेकिंग अनटाइडी नोट्स, इट्स ओके। बट आपको बनाते समय एक चीज याद रखना है, ये गलती, ये चीज एग्जाम हॉल में नहीं दोहराना है। If you remember these things, if you do not incorporate this in your habit, it's completely fine. So that's it for now, guys. Comment down your queries and also comment down the topics on which I should be further making videos on. And मैंने CA Inter के बाकी subjects के लिए भी strategies बना के रखे हैं. Do watch them out. So good luck for your exams and thank you.